नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज आपकी आवाज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। 16 से 19 नवंबर तक होगी मुख्य परीक्षा, इस दिन जारी होंगे एडमिट कार्ड। उत्तराखंड कंबाइंड स्टेट सिविल अपर सबऑर्डिनेट सर्विसमैन एग्जाम का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। UKPSC की ओर से जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार मुख्य परीक्षा का आयोजन 16 से 19 नवंबर तक किया जाएगा। यह एग्जाम दो पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक कंडक्ट कराई गई है। यह परीक्षा हरिद्वार और हल्द्वानी शहर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। जारी सूचना के अनुसार उत्तराखंड कंबाइंड स्टेट सिविल अपर सबऑर्डिनेट सर्विस मैन एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड 31 अक्टूबर 2024 को जारी किए जाएंगे। हॉल टिकट आधिकारिक वेबसाइट psc.uk.gov.in पर जारी किए जाएंगे। बता दें कि इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 182 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए नीचे आसान स्टेप्स दिए जा रहे हैं, जिनको फॉलो करके कैंडिडेट्स प्रवेश पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। UKPSC की ओर से जारी शेड्यूल के मुताबिक पहले दिन यानी कि 16 नवंबर 2024 को जनरल हिंदी और 17 अक्टूबर को जनरल स्टडीज, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी की परीक्षा होगी। इसके अलावा 18 नवंबर को जनरल स्टडीज सहित अन्य सब्जेक्ट्स का पेपर होगा। अंतिम दिन यानी कि 19 नवंबर 2024 को सामान्य अध्ययन और उत्तराखंड राज्य की जानकारी परीक्षा कराई जाएगी। उम्मीदवार इस बात का ध्यान रखें कि प्रवेश पत्र के साथ एक वैलिड फोटो आईडी भी लेकर आनी होगी। कैंडिडेट्स ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड या फिर पासपोर्ट में से कोई एक डॉक्यूमेंट लेकर आ सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवार पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं। उत्तराखंड कंबाइंड स्टेट सिविल अपर सबऑर्डिनेट सर्विस मैन एग्जाम एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट psc.uk.gov.in पर जाना होगा। अब होम पेज पर PCS मेंस 2024 एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें, अपना लॉगिन विवरण दर्ज करें और सबमिट करें, एडमिट कार्ड जांचें और डाउनलोड करें। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशनल न्यूज़ आपकी आवाज़।